जैसे भाई दो चोटी खुद से की। अब आप कर दो, आपका है फिर करो। क्या कर रहे हो, तैयार हो? मैं जब 7 बजे गई हूँ, 7 बजे आई हूँ। आपका है तो तुम तो दो छोटे खाना फिर मैं कर लूँ। अब आप कर दो, आपका है। इतने ढीले क्यों किए हो दो छोटे? अब जैसा है मैं कर दूँ। ये वाला ढीला है, थोड़ा सा टाइट करते हैं ना, यहाँ से टाइट किए होते तब तो छोटी अच्छी बनती। ये वाले ठीक है, वाला कर देते हैं। नहीं दोनों एक करोगे? खुद से करना सीखो। मैं भी सीख लूँ। हो गया सूस साहब, तुम लेट करोगे क्या, स्कूल छोड़ोगे? कर लिए स्विच पॉलिश? स्विच पॉलिश करने में तुम्हें आधा घंटा चाहिए होता है ना लायक। जल्दी करो, क्या खोज रहे हो जी? यार कहीं होगा, चलिए मिल जाएगा, मैं खोज के लगा दूंगी। जी यार दादी बुला रही है बेटा, देखना चुपके से पैसा देंगी तुमको। चलो मैं देखूं। देखो कही थी ना तुम लोग दादी ने, तुम लोग को बिगाड़ देंगे। देखो कितना रुपए दिए, 20 रुपए बिगाड़ देंगे तुम लोगों को। खा लेना, इसको देखो, नहीं खाना अच्छी बात होती है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? कौन इतना पेट भी भरेगा, चलो 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 चलो, मोटी भी होंगे और दिमाग भी। हाँ हाँ चलो, जिया कुंज क्या बोल रहे हैं? कहाँ हो कुछ, क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे कि दीदी अब स्विच पहनने का टाइम नहीं है, चुपचाप स्लीपर पहन के चलो। मैं टॉयलेट जा रहे थे, कह रहे थे कि टॉयलेट नहीं जाना है, टाइम नहीं है। मना किया था क्या तुम उसको? तुम क्या कर रहे हो कलाकार? दीदी कभी खुश रहो, खुश रहो बेटा, पढ़ो लिखा जा बैग लाओ। बदमाश, ये काम नहीं करते हो। अब लेट हो जाओगे तुम लोग, वैन गई, एक बस भी आ गई है। सारी तो नहीं आई लेकिन दो तो लगी हुई है, देख रही हूँ बस। और क्या, दो बस देखो है, दो वैन है, तीन वैन है, दो बस आ गई, बच्चों की लाइन लग गई है। खुश रहो बेटा, पढ़ो लिखा आगे बढ़ो। बाय बच्चों। आज सारे बच्चे लेट है ना? नहीं सारे बच्चे लेट नहीं है। वो क्या तुम्हारी एक वैन जा रही है, वो क्या दो तीन वैन लगी है, दो बस लगी है। जाओ जाओ, अभी स्कूल का गेट नहीं खुला है। बाय। बाय 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 बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग अनबॉक्सिंग। कैसे हो आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, मैं खाना बना रही हूँ, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और पति देव यहाँ बैठे हैं। हेलो बोल दीजिए। देखिए मम्मी जी क्या कर रही हैं। अरे मम्मी जी आज प्रसाद नहीं था अभी तक, ऐसे रखा हुआ है। बल्कि मम्मी जी सो रही हैं। काफी बड़ा माध्यम बनी है स्वच्छ ईंधन से। कहती कि मम्मी जी दोबारा जरूर सो जाए। आत्मनिर्भर भारत। कोई नहीं, क्या करना है, उनको करना ही क्या है ना, फ्री है वो सोना। जब बैठे बैठे बोर हो जाती है तो सो जाती है, और सुबह जल्दी उठ भी तो जाती है। तो चलिए आप सभी बने रहिए मेरे वीडियो पे, एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया, अच्छा लग रहा है जी? बीच का मांग निकाली हूँ, देखिए। हाँ जानते क्या हुआ, आज लुक चेंज करने का मन कर रहा था, तो लुक अगर चेंज करना तो सबसे अच्छा ऑप्शन है हेयर स्टाइल चेंज कर दो।
उनके चलो वही काफी दिन से तो मैंने पीछे मांग निकाल के तंगी नहीं किया है। अच्छा लग रहा है, मुझे सही लग रहा है। चलिए ठीक है, लुक चेंज करने का मन हो रहा था तो मैंने कहा चलो भाई लुक अगर चेंज करना हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन है हेयर स्टाइल चेंज करते हैं। तो कैसे लग रहा है आप सभी बताना कमेंट में। पीछे मांग ज्यादा हेयर स्टाइल आज की ज्यादा अच्छी लग रही है या जो मैं पहले करती थी वो ज्यादा अच्छी लग रही है? ठीक है, जय भगवान जी, जय माता रानी। ठीक है गाइस, तो अभी पतिदेव को मैंने खाना खिला दिया और अब वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ आपसे बातें कुछ जरूरी कर लिए जब तक वो रेडी होना है जाने के लिए। तो बात मुझे ये करनी थी कि एक्चुअली मेरा एक पायल था, मैं आपको दिखाती हूँ, कड़ा पायल ये रहा, ये मेरा पायल था कड़ा पायल। ये इतना काला हो गया था, इतना काला हो गया था ना कि लग रहा था जैसे कि स्टील नहीं, स्टील तो भी सफेद होता है लग रहा था कि लोहे का पायल है, यही कह सकते हैं। पूरा काला काला हो गया था। देखो मैंने इसको आज साफ किया है और कितना अच्छा साफ किया कि तुम देखो कितना बढ़िया हो गया। जितने भी डिजाइन आप देख रहे हो ना, ये सब काले पड़ गए थे, ये सब काला हो गया था एकदम, ये सब काला हो गया था। तो चलिए मेरे वीडियो पे बने रहिए और देखिए कि मैंने अपने इस पायल को कैसे साफ किया। ठीक है, तो हे गाइस, आप देख सकते हो ये मेरा पायल है जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, एकदम काला पड़ गया है, किनारे किनारे तो एकदम सिल्वर से ही ब्लैक हो गया है। तो इसको साफ करने का तरीका आज मैं आप सभी से बताने के लिए आई हूँ, जो कि बहुत आसान है। तो हमें करना क्या है, हमें लेना है टूथपेस्ट, वो भी कोलगेट टूथपेस्ट, जो बहुत ईजिली इसे साफ़ कर देगा। और इसके साथ ही हमें चाहिए मीठा सोडा जो ईज़िली हर घर में अवेलेबल होता है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें एक लेना है टूथब्रश, पुराना वाला, आप चाहो तो नया भी ले सकते हो और हमें अब टूथपेस्ट और ये मीठा सोडा जो है उसको एक में ऐड कर देना है, मिला देना है। और इसे मिलाने के लिए हमें चाहिए पानी, तो थोड़ा सा पानी हम उसमें डाल देंगे और दोनों को अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने कोलगेट पेस्ट और मीठा सोडा को फेंट फेंट के बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया। और फिर उसके बाद एक पुराना टूथब्रश जो मैंने अभी आपको दिखाया, उससे मैंने इस पायल पे अच्छे से रगड़ रगड़ के इस पे लगाना शुरू कर दिया। तो हमने जो ये पेस्ट रेडी किया है, इस पेस्ट को हम पायल के चारों तरफ लगा देंगे, मतलब कोई भी एरिया हमें इसका पायल का छोड़ना नहीं है, अच्छे से उसको लगा देना है, अप्लाई कर देना है। और लगाने के बाद इसे हम छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए। लगाने के बाद आप 5 मिनट का 10 मिनट भी छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बाद पायल हमारा और काला हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो 5 मिनट छोड़ने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे, इसको ब्रश से घिस घिस के रगड़ रगड़ के लगी साफ़ करने के लिए। और उसके बाद आप देखो इसका क्या रिजल्ट आता है। और जब मैं पायल को घिस घिस कर साफ़ कर रही थी तो पायल की जो गंदगी थी ना काली काली, वो मतलब मेरे हाथ में आ रहा था, पूरा काला काला हो गया था झाग, उसका जो पेस्ट था वो काला काला हो गया। तो एक बार आप इस टिप्स को जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा टिप्स है। चांदी की कोई भी चीज़ हो उसको आप साफ़ कर सकते हो, बिल्कुल साफ हो जाएगा, एकदम नया सा हो जाएगा। तो एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है, ऐसा तो नहीं है कि सिल्वर से वो ब्लैक हो जाएगा, तो एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको धो के दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे पायल में पहले से ही ब्लैक मेटल का कुछ डिज़ाइन किया हुआ था, इसलिए कुछ ब्लैकिश दिखेगा, लेकिन जो गंदगी थी वो साफ़ हो चुकी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कैमरे में अच्छे से दिखा सकूँ कि मेरे पायल साफ़ हो गई है। तो ये देखो आप सभी, मेरी पायल बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है, बिल्कुल नया सा लग रहा है दिखने में। अब ये तो नहीं पता मुझे कि मैं कैमरे में इतने अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों से दिखा सकूं। तो चलिए, टिप्स मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इस आगे की वीडियो आपको मिलेगी इवनिंग टाइम में, क्योंकि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इस आगे की वीडियो आपको मिलेगी इवनिंग टाइम में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।